मैं साध्वी सोमनाथ, जिस सोमनाथ नाम दिया मेरे को, नाम तो मेरा सोमनाथ ही है पर साध्वी नाम दिया मेरे को मीडिया वालों ने। इस चीज के लिए मैं नहीं कहती कि मैं कोई साध्वी हूँ, पर अब नाम दे दिया तो मैं अपना आपको साध्वी बताऊंगी। 3 साल से मैं कोई ग्रस्त नहीं हूँ, पर मैं जनता जनार्दन से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। कल हमारे गाँव मोखरा में ये हमारा पूरा समाज बैठा हुआ है, ये सभी मेरे साथ हैं, और जनता जनार्दन से मेरा ये अनुरोध है कि कल मोखरा गांव में महापंचायत है 24 की, उसमें सुग्राई नाथ जी, साध्वी देवा ठाकुर जी आएंगे। तो जिन जिन के मेरे झाड़े से आराम हुआ है और काफी फर्क हुआ है और अभी होने लग रहा है, वो सभी कल मंदिर में 9 बजे पहुंचे, क्योंकि पंचायत में आप सभी का सहयोग जरूरी है। आपके सहयोग बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ ना रहूं तो बेशक मत पहुंचना, पर जो चाहते हैं कि आगे इसी सुचारू रूप से मैं झाड़े लगाती रहूं और सबका भला होता रहे, गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे सभी के ऊपर, इसलिए ये महापंचायत रखी जा रही है, तो मैं तो उस पंचायत में जाऊंगी नहीं, तो आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो कृपया करके सभी कल 9 बजे मोखरा का जो मंदिर है गुगा पीर का बसाना रोड पे, इस पे पहुंचे जिनके आराम हुआ है, जो मेरे पक्ष में है। कुछ आदमियों के समर्थन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को जो भी देखेंगे, जो समर्थन में आना चाहते हैं, वो सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी मोखरा मंदिर में पहुंचे आदेश। और कल पंचायत है इसमें मोखरा गांव में, इसलिए जो कल पूजा के लिए आने थे उन सभी को मैं मना करती हूँ कि कल पूजा के लिए कोई भी ना पहुंचे। जो मेरे पक्ष में है, समर्थन में है, वे ही सभी पहुंचे। गांव समाज मेरे साथ है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ, अकेली वीडियो में बढ़ा नहीं रही हूँ। ये वीडियो डाली जाएगी, जो जो इस वीडियो को देखता है आसपास के शहर से, गांव से, गुआंड से साथ देना चाहता है कि भाई ऐसे सुचारू रूप से दुनिया का भला होता रहे, तो मंदिर में आ जाओ और मेरा साथ दो, क्योंकि सबने मेरे को बुरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए ये सब कार्य चलाया है। मान लो हमला कराया या कुछ भी कराया, तो उन वो लोग मेरे को एक्सपोज करना चाहते हैं, सारी सारा रोड़ा गद्दी का है। तो मैं सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि जरूर से जरूर भारी संख्या में पहुंचना है जिनके आराम हुआ है, झूठे आदमी कोई ना पहुंचे भाई, जिनके आराम ना हुआ हो, सच बात लेके और सच बात रखे पंचायत में, और सच्ची को लेके आगे चले, और सच्चाई सबको दिखानी है कि झाड़े से कितना आराम हुआ और मैंने किससे कितने रुपए लिए हैं। वही आदमी पहुंचे जो मेरा साथ देना चाहते हैं। आदेश।